आज हम बात करेंगे क्या किसी पर्टिकुलर ब्लॉकेज की कितनी सीवियरिटी है, यानी वो कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, ये हार्ट अटैक के साथ कोरिलेट होता है या नहीं। देखिए, एक सिंपल सा फैक्ट है कि किसी व्यक्ति को नली में 50-60% ब्लॉकेज है तो ब्लड के फ्लो करने के लिए 50% जगह बाकी है नली में। अगर किसी व्यक्ति को 95% ब्लॉकेज है तो नली में ब्लड के प्रवाह के लिए सिर्फ 5% ही जगह बाकी है। तो ब्लड के फ्लो में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे मेम्ब्रेन के रप्चर होने का अगर किसी को 95% ब्लॉकेज है तो, और वैसे लोगों में हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहेगा। कोई भी छोटा सा क्लॉट का टुकड़ा अगर फंस जाएगा तो 95% वाले पेशेंट की नली जल्दी बंद होगी। तो ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट का भी फ़ायदा ज़्यादा होगा और एंजियोप्लास्टी का भी ज़्यादा फायदा होगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को सारे हार्ट अटैक क्रिटिकल ब्लॉकेजेस में ही हों, क्योंकि माइनर ब्लॉकेजेस का नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 10-20% के ब्लॉकेज पूरी नली में बहुत सारे होते हैं, इसलिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स की बात करें तो वो सब क्रिटिकल ब्लॉकेजेस से ज़्यादा होंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉकेज की अगर हम बात करें तो सीवियरिटी हार्ट अटैक के साथ कोऑर्डिनेट करती है।